Hey guys, welcome to my channel. कैसे आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे. और आज दफे भी वीडियो बना लिया. हाँ, सो आज है संडे और हम लोग आए वॉक के लिए. तो आज मौसम बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है बाहर में, और धूप भी निकल गया थोड़ा थोड़ा. सनराइज इतना मस्त हुआ है और अभी हम लोग वॉक कर रहे हैं, मतलब जाने वाले हैं घर. हो गया हम लोग का वॉक करीब, हम लोग 40-45 मिनट तो कर ही लेते हैं. और देखो आज क्या क्या होता है, संडे है, क्या कहाँ जा पाते हैं. सो आप लोग बने रहिएगा, मिलते हैं आपसे बाद में. यहाँ पे बन रही है चाय, साथ साथ हम लोग का पानी गर्म भी हो रहा है पीने के लिए. और मम्मी उठ गई है, फिर भी हम लोग बिस्तर पे बैठे से लेट गई है. तो अभी हम लोग पहले पानी पियेंगे, चाय भी मैंने चढ़ा दिया है और चाय पियेंगे क्योंकि आज सजा भी हो गए थे. जैसा ऐसे नींद वाला फीलिंग आ रहा है. सुबह पानी लो. पानी मैं 2 ग्लास पीती हूँ. ये रही सुबह की चाय, गर्मा गर्म चाय. सो गाइज, आज मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर करने वाली कुछ टिप्स हेयर के लिए, जो कि है फ्लैक्स शीट. जानते हैं आप लोग फ्लैक्स, FLAX, ये फ्लैक्स शीट है. जिसको मैंने क्या किया, मतलब पानी थोड़ा सा डाल लिया और इसको है ना बॉईल होने के लिए रख दिया. बॉईल जब तक हुआ, जब तक इसमें देखो ये इसका पानी है, जिसमें इसमें मतलब ये चिपचिपा सा ना होने लग जाए, तब तक इसको बॉईल करना है. और बॉईल करने के बाद इसको बालों में क्यों लगाना है मैं आप लोगों को वो बता रही हूँ. तो बालों में इसलिए लगाना है क्योंकि हमारे हेयर्स जो है तो मुंह का आ जाता है, मीन डैमेज हो जाता है, और जो बाल टूटता है ना उसको है ना ये रिपेयर करता है और हमारे बाल को स्मूथ एंड सिल्की भी बनाता है. इसलिए हमें ये चीज को यूज करना चाहिए. एटलीस्ट आप वीकली 1 डे तो आप यूज कर ही सकते हो, इतना अगर टाइम नहीं है तो. मैं भी ज्यादा नहीं यूज करती हूँ, मैं कभी कभार मतलब संडे को याद आया तो मैं लगा रही थी, जैसा कि आज संडे आप लोगों को पता है. सो ये बालों के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है. ये चीज मुझे मेरी दीदी ने बताया तो तब से हम लोग यूज करना स्टार्ट करते हैं. और लिटरली मैं आप लोगों को सच्ची बोल रही हूँ कि मेरा बाल इतना टूटता था, बहुत ही ज्यादा कम हो गया टूटना. एंड बाल जो है ना दो मुंह का आना जब आने लग जाता है ना, वो भी बंद हो जाता है इसे. और हेयर जो है बहुत ही ज्यादा स्मूथ हो जाता है, सिल्की हो जाता है. जिस दिन आप इसको लगा के हेयर वॉश करोगे उस दिन आपका हेयर इतना अच्छा लगेगा, इतना शाइन करेगा. तो मुझे लगा मैं आप लोगों के साथ ये चीज शेयर करूं, सो इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ. आई होप आप लोग समझेंगे. आप लोग एक बार ट्राई कीजिए, फ्लैक्स सीड बोलता है इसको. मुझे भी नहीं पता था, मैंने दीदी से भी लिटरली पूछा है इसको बोलता क्या है. तो आप लोग जाके दुकान से ले सकते हैं. फिर इसको पानी में कुछ नहीं करना है, पानी में डाल के बस बॉईल करना है. एंड देन इसको अपने ठंडा करके लगाना, गर्म मत लगाइएगा. और थोड़ा स्कल्प वगैरह जो है इसमें भी लगाना है ताकि आपका स्कल्प जो है वो थोड़ा स्ट्रांग हो सके. एंड बालों के पूरा एंड तक लगाइए, कोई बात नहीं है. मैं भी लगा रही हूँ तो मैं सोच मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ. सो चलो अभी मैं लगा लेती हूँ, देन और आधी घंटा बाद इसको वॉश कर लेना है. सो चलो. सो फर्स्ट क्लास मैंने अपने बाल में जो है लगा लिया फ्लैक्स सीड का पानी. और अब मैं लगाने जा रही हूँ मामा अर्थ उपटन फेस मास्क, जैसे कि मैंने उस दिन लगाया था और तो आज लगा रही हूँ, टाइम ही नहीं मिला. तो अभी मैं इसको लेती हूँ क्योंकि अभी मुझे नहाना है. अरे खुला क्यों मेरे. तो ये मैंने लगा लिया है एंड अभी मैं इसको 15-20 मिनट्स रखूंगी, देन मैं इसको वॉश करूंगी. तो अभी मैं जा रही हूँ अपना कपड़ा धोने के लिए क्योंकि बहुत सारा कपड़ा धोना, तो मैंने सोचा ये सब मैं कर लेती हूँ, देन मैं अपना काम भी करती रहूंगी. सो हो गया डन. सो अभी मैं जा रही हूँ कपड़ा धोने के लिए, तो अभी मैं नहाने के बाद मिलूंगी डायरेक्ट आपसे. सर चलो मिलते हैं आपसे. क्या कर रही हूँ? तो नाश्ते में आज क्या बन रहा है? पोहा. आज संडे स्पेशल और आज पापा भी घर में, तो मेरा भी सारा काम हो गया, पूजा भी कर लिया मैंने. और सिर्फ पोहा का प्रिपरेशन कर रही है, खाएंगे, भूख लगी है बहुत जोर की. तो बनाओ जल्दी जल्दी. रुको मैं इसका सारा मतलब थोड़ा सा प्रिपेयर कर देती हूँ, मीन्स कुछ कुछ सामान इसको दे देती हूँ. सो गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है संडे है, तो मैं आप लोगों को कुछ दिखाने वाली हूँ. मैंने बहुत पहले मतलब 1 वीक ऐसा समथिंग कुछ हुआ होगा, मैंने नायका से कुछ ड्रेस मंगाया है. और वो ड्रेस कैसा है, क्या है, वो मैं आप लोगों को अभी पहन के दिखाऊंगी और आप लोगों को बताऊंगी वो एक्चुअल कैसा था, आया कैसा है.
चलो मैं सबसे पहले पहनती हूँ, एंड उसमें से एक ड्रेस जो है वो मैं नहीं पहनूंगी, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, क्योंकि वो शिल्पा का बर्थडे ड्रेस है। नहीं तो क्या होगा, नहीं वो बर्थडे ड्रेस है शिल्पा का, तो वो शिल्पा पहनेगी, मैं नहीं पहनूंगी। सो मैं आपको दो ड्रेस पहन के दिखाऊंगी, वो ड्रेस भी दिखाऊंगी वो कैसा है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, जितना हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था उससे भी ज्यादा अच्छा है। सो चलो पहले मैं आप लोगों को पहन, पहले आप ड्रेस दिखा दो। हाँ पहले मैं सबसे पहले कौन सा ड्रेस पहनूंगी, मेरा वाला भी पहनो ना, क्या हो गया। नहीं 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 वो तुम्हारा बर्थडे वाला ड्रेस बर्थडे गर्ल को पहनना चाहिए। सो सबसे पहले ये देखो, ओ माय गॉड, ये जंपसूट जो कि हम लोग के पास नहीं था, बहुत दिन से लेने का मन था, ये मैं आप लोगों को पहन के दिखा दूँ। कितने जल्दी आओ जल्दी आओ, ये देखो, माय गॉड। सो गर्ल्स बताना आप लोग मैं कैसी लग रही हूँ, मेरा ड्रेस कैसा है, अच्छा है या नहीं है, आप लोग बताना कमेंट करके नीचे। सो ये देखो कितना मस्त लग रहा है, मतलब इसका कलर कॉम्बिनेशन, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, बनाने वाले को मतलब सैल्यूट है। और ये नायका से नहीं मंगाया जैसे मैंने आप लोग बताया, और ये फुल स्लीव्स का है और बहुत ही अच्छा। सो पहला जंप सूट हम लोग का है, आप लोग बताना कमेंट करके मैं कैसी लग रही, अच्छी लग रही या नहीं लग रही, अच्छा ड्रेस फिर अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, मैं तो अच्छी हूँ या नहीं हूँ पता नहीं, ड्रेस देखो। सो चलो अब मैं दूसरा ड्रेस पहन लेती हूँ, तो मैं आ जाऊँ, चलिए आओ। ये देखो दूसरा वाला ड्रेस, ओह माय गॉड, आप लोग बताना मैं कैसी लग रही हूँ, अच्छी लग रही है, ड्रेस कैसा लग रहा है मेरे ऊपर, कमेंट करके बताना ड्रेस कैसा लग रहा है मेरे ऊपर, अच्छा इसका और नीचे का दिखाओ, नीचे का ये लुक है इसका, ये देखो मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा है कि मैं एक्ट्रेस हूं बोल के क्योंकि वो लोग ऐसे ऐसे कपड़ा पहनते हैं। और ये भी मुझे नायका में मिला, बताना आप लोग कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है, टैग ही नहीं हटाया अब तो, टैग नहीं हटाया कोई बात नहीं है, मैं टैग लगा के पहन ली, मुझे आप लोग को दिखाना था, तो आप लोग बताना कैसे लग रहा है, अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, दिखाओ जल्दी। सो ये देखो, ओ माय गॉड, सो दिस इज शिल्पास ड्रेस, ये शिल्पा का बर्थडे ड्रेस है, जो शिल्पा को बर्थडे में पहनना, जंपसूट है बेसिकली, लेकिन इसका ओ माय गॉड कितना मस्त है, देखो आप पहन के दिखाओ ना, नहीं नहीं दिखाओ ना, मैं पहनूंगी नहीं प्लीज, ये मत देख, देख के बताना आपको कैसा लग रहा है, बहुत ही अच्छा है, शिल्पा पहनेगी तो कैसी लगेगी, प्रीटी लगेगी ना, मैं जिस दिन पहनेगी मैं उस दिन दिखाऊंगी, मतलब इसका बर्थडे अभी नेक्स्ट संडे को आ रहा है, सो ये पहनेगी, मैं आप लोग दिखाऊंगी कितना ज्यादा अच्छा, मुझे लग रहा है कि मैं भी पहन के दिखा दूँ, दिखाओ ना, मैं नहीं पहनूंगी क्योंकि बर्थडे ड्रेस तो बर्थडे गर्ल को पहनना। गाइस इतना देर से मैं आप लोगों को बेवकूफ के जैसे उल्टा ही ड्रेस दिखा रही थी, एक्चुअली ये ऐसा है, ये इससे सीखा होगा, और ये स्लीवलेस है इसलिए और ज्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा अच्छा, सिल्पा के ऊपर बहुत ही अच्छा लगेगा, तो पहनेगी मैं दिखाऊंगी, और ये ऐसा है, और बैक से इसका चैन है, और यहाँ तक चैन है, जम सूट में तो पता ही आपको नीचे से ऊपर पहनना होगा, ऊपर से नीचे नहीं पहनना होता, तो पहले तुमको ये लग, तो ये ड्रेस बहुत ज्यादा फिट है। और अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि और मेरा कुछ कुछ ड्रेस जो है वो आने वाला है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, फिलहाल वो जब आएगा तब मैं बताऊंगी आप लोगों को क्या क्या मंगाया मैंने, और मैं ये बताने जा रही हूँ कि ये सारे ड्रेस जो मैंने नायका से मंगाया है, हाँ एक्सपेंसिव है, मैं ये नहीं बोलूँगी, ये ड्रेस 1100 समथिंग का है, और 1100 समथिंग में बहुत ही अच्छा ड्रेस मिल गया, और शिल्पा वाला ड्रेस जो है इसका प्राइस मैं नहीं बताऊंगी आप लोगों को, क्योंकि शिल्पा सामने बैठी हुई है, इसलिए बोलो तो कितना का है, और बताओ तो क्या हो गया बताओ, इसका प्राइस 1460 समथिंग था, लेकिन मुझे मतलब इतना भी आइडिया नहीं था कि 1400 में इतना अच्छा ड्रेस, और उसका भी बताओ, उसका भी बताओ, और इसका इसका कि ये और वो ड्रेस मैं साथ में ऑर्डर दिया था, और ये इसका है 1300 समथिंग, 1380 रुपीज में, कितना इस पे ज्यादा होगा क्योंकि इस पे तो ओरिजिनल प्राइस लिखा था, डिस्काउंट में मैंने लिया, तो ये दोनों ड्रेस ब्लैक वाला एक साथ मंगाया और ये वाला अलग से मंगाया, सो आप लोग बताना कैसा लगा तुम्हें ड्रेस, आप लोग आई होप आप लोग अच्छा ही लगा होगा, सो बहुत सारा शॉपिंग कर लिया, अरे मम्मी को पता चल गया था मम्मी गुस्सा करेगी, तो अभी मतलब दोपहर हो गई है एंड खाना वाना सब बन चुका है, और हम दोनों आज कहाँ बैठे हैं, देखो हम लोग का छोटा सा बालकनी प्यारा सा जहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं, और हम लोग क्या करेंगे, शिल्पा देखो क्या कर रही है, अपना नेल पेंट रिमूव कर रही है, गंदा हो गया, और फिर इसके बाद नया लगाएगी, तो मैं भी लगाऊंगी, तुमने उसके बाद फिर से लगा लिया क्या ये हटने के बाद में,
वो तेरी हम जो उस दिन लगाया था ना आप लोगों के साथ शेयर किया था वही लगाया हुआ मेरा। हम लगाते ही ज्यादा हमको ध्यान ही नहीं आता। ये अभी बोली हम मैं लगाऊंगी तो मैंने सोचा ठीक है मैं भी लगा लेती हूँ अपना। हाँ फिर नेक्स्ट संडे को दूसरा लगाएंगे। देख रहे हो सुन रहे हो ताकि संडे को लगाने का वो नहीं रहे। और देखो अभी हम लोग कहाँ जाते हैं अभी पहले धूप है बहुत ज़्यादा बाहर में और नींद भी आ रहा है थोड़ा थोड़ा। तो चलो अभी हम लोग कर लेते हैं अपना ये नेल पेंटिंग हो मैं भी अपना करती हूँ तुम करो। देखिए मैंने अभी लगाया है और साइड साइड में कैसे फैल गया है क्योंकि मेरे को लगाने नहीं आता। और अभी मैं इस पर वो ट्रांसपेरेंट वाला भी लगाऊंगी सूखने के बाद में। सो अक्सल पर दिखाओ दिस इज माय नेल पेंट। इसको लगाने आता क्योंकि हमेशा लगाती है मैं तो नहीं लगाती। गाइस अभी हम लोग हो चुके हैं रेडी। वैसे क्या संडे है तो जाना है बाहर ऐसे घूमेंगे थोड़ा बहुत और कुछ कुछ रील्स बनाएंगे वीडियो बनाएंगे और फिर आ जाएंगे। तो वैसे आज बहुत लेट हो गया है आज 3 बज गए हम लोग को क्योंकि घर में आज काम था। आज जाने का वैसे मूड नहीं था लेकिन फिर भी जा रहे और आज धूप बहुत था इसलिए जल्दी निकल नहीं पाए। तो अभी 3 बज गए तो हम लोग अभी निकलते। दीदी शूज़ पहन रही अपना मैं रेडी हूँ पूरा और हम लोग मुँह ऐसे बांध लिए क्योंकि बहुत ही धूप है बहुत ज़्यादा है और पूरा धूप फेस पे लगेगा है ना। अभी हम लोग को सीधा सनसेट जिधर होता है ना उधर की तरफ से ही जाना है तो पूरा फेस पे धूप लगेगी इसलिए हम लोग ऐसे पूरा बंद हो गया। तो हम लोग कहाँ जा रहे हम लोग जा रहे नहीं आइडिया यस तो कहाँ जा रहे हम लोग जा रहे सुखाफा। देखो सोच के तो जा रहे कि सुखाफा जा रहे। देखो हम लोग को जल्दी आना भी है कहाँ जा पाते नहीं टाइम पर पहुँच पाते नहीं फिर मिलते हैं आप लोग से पहुँच। तो गाइस आज हम लोग जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग सुखाफा जा रहे हैं लेकिन सुखाफा जाने के बाद में हुआ क्या वहाँ पे आज संडे था और बिहू आने वाली है। सो बिहू का कुछ कुछ प्रोग्राम चल रहा था और संडे था तो इतना ज़्यादा भीड़ था वहाँ पे मतलब रुकने का जगह ही नहीं था बहुत ज़्यादा भीड़ था। सो इसलिए मतलब हम लोग वहाँ पे नहीं रुके हम लोग वहाँ से जस्ट टर्न लेके फिर वो जो हम लोग उस दिन गए थे आयुर संजीवा के वहाँ टी गार्डन्स के पास में वहीं पे चले गए। और वहाँ पे भी है ना हम लोग पहले वहाँ पे नहीं जा रहे थे क्योंकि शाम होने वाली थी तो इसलिए हम लोग नहीं जा रहे थे। तो हम लोग पहले थोड़ा सा पहले गली में रुक गए वहाँ पे एक दो रील्स बनाया फिर देन हम लोग फिर टी गार्डन्स में गए वहाँ पे भी रील्स बनाए एक दो और आ गए घर। और घर भी मतलब जल्दी आना था क्योंकि श्रद्धा को जाना था किसी बर्थडे पार्टी में। और देखो मैंने क्या पहना है ये देखो स्कर्ट और टॉप कैसा लग रहा है आप लोग बताना और अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बता देना कैसा लग रहा है। सो अभी मैं जा रही हूँ चेंज करने शिल्पा गई अपना फ्रेंड का बर्थडे पार्टी में एंड देखो मैं कहाँ जाऊँगी अभी शाम को। सो जा रही हूँ मैं घर के अंदर और करूँगी चेंज देन देखो क्या होता है नहीं होता है आज पता नहीं ऐसे। वहाँ पे एक बार पहले भी गए थे वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होता बहुत ज़्यादा भीड़ होता सुखा पा से। चलो अभी मैं जाती हूँ चलते ना आप बताना मैं कैसी लग रही हूँ। सो गाइज आ गए किचन में काम खत्म हो गया मेरे लैपटॉप में और किचन में आने के बाद में आप संडे है तो आप लोगों को पता है आज क्या बनने वाला है आज पनीर बनने वाला है। सो पनीर बन रहा है एंड पनीर का सारा सब कुछ हो गया थोड़ा सा कुक होगा देन हो जाएगा। सिर्फ इधर बैठ के देखो आटा लगा रही है क्योंकि मतलब फिर रोटी बनाना है क्योंकि अभी थोड़ा देर पहले आई है अपने फ्रेंड के वहाँ से। सो हो गया इसका फ्रेंड का बर्थडे सेलिब्रेशन हो गया अच्छे से हो गया। सो अभी बनाऊंगी रोटी और आज संडे में हम लोग का बाद लास्ट में एट द एंड में हम लोग का थक जाता है एट द एंड मतलब वीडियो बन गया तो ठीक है उसमें सेटिस्फाइड है देखा बाद में। हाँ अच्छा हाँ सेटिस्फाइड है हम लोग और अभी खाना बना रहे हैं देन देखो कि अब खाना खाएंगे फिर उसके बाद में सोएंगे क्योंकि फिर से कल मॉर्निंग वॉक जाना है तो सोना तो जल्दी पड़ेगा ही। और आज मैच है आज मैच है फूल भी लाने जाना है कल जाना है और आज मैच है किसका किसका है पंजाब और SRH का अभी चल रहा है और एक तो खत्म हो गया जिसमें KKR जीत गया। लास्ट ओवर में 5 बॉल में 28 रन चाहिए था रिंकू सिंह ने 5 छक्का मार के मतलब क्या बोलेंगे ना आपको 207 मतलब 205 रन का टारगेट दिया था 207 रन बना दिया। ओ माय गॉड मतलब बिलीव नहीं होता है मैंने नहीं देखा एक्चुअली मुझे सोनू ने बताया मैं आप लोगों को बताई मिस कर दिया एक्चुअली मतलब क्या हुआ ना मैं भी नहीं थी घर मतलब मैं घर पे थी काम कर रही थी और शिल्पा नहीं था तो हम लोग नहीं देखा पापा भी अब घर पे थे आज संडे था तो आज पापा बाहर गए थे। सो चलो अभी मैं फटाफट से रोटी बनाती हूँ शिल्पा का आटा लग गया देन आपसे मिलते हैं और दिखाएंगे आपका सब्जी कैसा बना है बहुत यम्मी लगा भूख लगी है बहुत जोर की। क्या ठूस ठूसा के आई हो तुम मैम
नूडल्स, पाव भाजी, केक, फुचका और ठूसोगी? नहीं खाऊंगी। खाएगी पता है लोगों को, खाएगी। नहीं सच में नहीं खाऊंगी। आज दिन में क्या हुआ, मैंने तो खाना खाया। मैं दिन में खाना नहीं खाती हूं। और ये दिन में खाना नहीं खाई, ये मतलब हम लोग सुबह पोहा खाया था ना, तो पोहा मतलब पेट में क्या जाने मतलब फुलते रहते हैं। भूख नहीं लगा था तो हम खाए, तो हम लोग बाहर जाके दीदी तो थोड़ा सा बाद में खा लिया हम तो खाए नहीं। तो मैं सोची मैं खा लेती हूं क्योंकि भूख लगेगी बाद में, तो फिर बाहर में क्या खाऊंगी ऐसे भी, और वो सब एरिया में कुछ मिलता ही नहीं है। उधर हम लोग गए थे उधर कुछ नहीं मिलता, हां तो इसलिए मैं खा के चली गई। तो ये नहीं खाया जिसको भूख लगा, तो वहां से तो खा के आई। अब घर में बन रहा है तो पनीर बन रहा तो खाएगी ऑब्वियसली। अरे सच में। चलो अभी मैं आपसे मिलती हूँ बाद में। आज हो गई है नेक्स्ट डे, कल मैंने ज़्यादा मतलब खाना बनाने में कुछ शूट नहीं किया, और आज अभी मैं गई थी सर्विस सेंटर स्कूटी सर्विसिंग में देने के लिए, और अब मैं जा रही हूँ ऑफिस। बहुत आप धूप है, ऑटो पूरा ऑफिस तक नहीं जाता, इसलिए हमें जाना पड़ रहा है थोड़ा थोड़ा ही ऑटो में, और इतना देखो। मैं रिक्शे की सवारी कर रही हूँ, मैं जा रही हूँ अपने सैंड सीट से लेने के लिए। मेरे से सर्दी हो गई एक्चुअली, ऑफिस से निकली हूँ तो मैं सोच रिक्शा से चली जाती हूँ। चाडाली पे जाना पड़ेगा रिक्शा, उसके बाद वहाँ पर चलाऊँगी, बहुत दूर है इसलिए। मैं अकेले अकेले रिक्शे की सवारी कर रही हूँ, मज़ा आता है बैठ के। तो चलो अभी मैं जाती हूँ वहाँ पर, देखती हुआ कि नहीं हो गया, पापा का मैसेज आ गया था, देखते हैं। लोग आए हैं पापा के लिए चप्पल लेने के लिए बाटा में। मम्मी आ गए, इधर देख लेते हैं आपके लिए। तो मम्मी का भी एक लो हम लोग सोच रहे ले लेता है। मम्मी ऐसा टाइप का कुछ ले लो, देखो। और इधर है क्या, मम्मी ने लिया ये चप्पल, और पापा के लिए क्या लिया वो दिखाती हूँ, रुको। सो ये रही मैं, और अभी बिल करवाने का टाइम हो गया है। अरे मम्मी, चप्पल ये है, मम्मी का चप्पल ये है, तो अभी हम लोग ये लेके जा रहे हैं। आज पापा ने क्रेडिट कार्ड दे दिया, बोला कि ठीक है लेके आ जाओ, और फाइनली ले लिए। और हम लोग के लिए कब लेंगे पता नहीं, पापा कब परमिशन देंगे। तो चलो अभी तो पापा मम्मी के लिए ले लिए और बिल करवा रहे हैं, कितना का होगा देखते हैं, फिर घर जाके पापा क्या बोलेंगे। यहाँ पे बाटा का कलेक्शन कुछ ऐसा है, जो कि बहुत अच्छा ये रहा बैंड, पर ये रही मम्मा, तो मम्मा भी ले रही है, मम्मा हैप्पी है। और इधर है मेंस का कलेक्शन, डन। और अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे, आ गए। उसके बाद में खाना वाना सब खा लिया हम लोग ने, बना भी लिया, और मेरा तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रहा है। सो इस वीडियो के एंड में फिलहाल यहीं पे कर रही हूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे, और अच्छा लगे कुछ भी चीज़ इसमें अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो जल्दी लौटते एक नए वीडियो के साथ, एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक इस वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। बाय गाइस, लव यू ऑल।